सेहत से खिलवाड़ के बाद खबर साजिश की जो कि भारतीय खेलों के खिलाफ रची जा रही है। ये मानना है जाने माने शूटर रहे जसपाल राणा का जो कि अब भारतीय युवा खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी भारतीय शूटिंग के खिलाफ साजिशन इस तरह का रवैया अपना रहे हैं जिसके तहत 2022 में कॉमनवेल्थ खेलों से शूटिंग को हटा दिया गया। एनडीटीवी से खास बातचीत में जसपाल ने जोर देकर कहा कि जरूरत पड़े तो भारत को बहिष्कार कर देना चाहिए कॉमनवेल्थ खेलों का। भारतीय शूटर्स ने हाल के दिनों में जो धमाल मचाया है उन सबके पीछे एक खास शख्स का बहुत बड़ा हाथ है। जसपाल करीब ढाई दशक पहले कुछ ऐसा ही कारनामा जो मनु ने अभी किया उस तरह का कारनामा आपने किया था, तब हम कॉलेज में होते थे और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और फिर एक 25 साल करीब लग गए जो कुछ वैसा ही कारनामा एक शूटर्स ने दोहराया है। आपको लगता है एक ट्रांजिशन आया है अभी जितने बड़े शूटर्स हैं उनकी जगह इन लोगों ने ले ली? ये तो नेचुरल प्रोसेस होता है कि जो उगता है वो डूबता भी है, सूरज सुबह उठता है शाम को डूब जाता है। एंड हमारे टाइम में मैं ये कहता हूँ कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे जो लोग मेहनत करते थे उस टाइम जो डिस्ट्रैक्शन लेवल था, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, ये सब चीज़ें नहीं होती थी जिससे आप, तो हमारे लिए वो ईजी होता था। मैंने हमारे पास मेहनत के अलावा कोई चारा था नहीं। कॉमनवेल्थ की वजह से हमारे यहाँ पर सब चीज़ें आ गई थी जब हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आज की जनरेशन को मिला है। सिस्टम की शिकायत आप कभी करते थे 2006 में भी आपको शिकायत थी, वो सिस्टम पुख्ता है, वो सिस्टम मजबूत है। अभी भी जैसे कई चीज़ें हैं जो ठीक है, हम मकाम तो पहुँच गए, हमने ये आज वर्ल्ड कप में हमारे इतने मेडल्स भी आ गए, लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि चाइना कोरिया या अमेरिका वाले चुपचाप बैठेंगे, दे विल नॉट टेक दैट इजीली। अब जैसे आपने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स से शूटिंग उड़ा दिया गया, व्हाई? क्योंकि शूटिंग में एक तरफा हमको मेडल मिल जाते थे। आप देखेंगे एशियन गेम्स में सेंटर फायर, स्टैंडर्ड पिस्टल, फ्री पिस्टल सब उड़ा दिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मेडल हमारे उसमें आते थे, तो वो जो श्योर शॉट मेडल थे वो आप उड़ाते जा रहे हो। तो आपको लगता है कि इस फाइट को इंटरनेशनली लड़ने की ज़रूरत है या फिर अगर बॉयकॉट करने की ज़रूरत है तो बॉयकॉट करें? फाइट में तो सब कुछ ही होता है, अगर नहीं मानेंगे तो आप ठीक है, जब आप हमारे इवेंट को रखना ही नहीं चाहते जिसमें हम स्ट्रांग हैं, इतनी मेहनत करके हम इस लेवल पर आए हैं, और आप वो इवेंट को हटा दोगे फिर हम बाकी को खेलें भाई?